टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और यहाँ देख सकते हैं मैं हूँ किचन में, और किचन में मैं क्या बना रही हूँ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं गरम है ये छोले, तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोले। यहाँ धनिया पत्ता कट करके रखे, अभी डालूंगी इसमें। तो यहाँ हमारे छोले बन के हो चुके हैं तैयार। अभी मैं इसमें कुछ गर्म मसाले ऐड करूंगी और उसके बाद ये धनिया पत्ता, फिर हमारी सब्जी बन के जाएगा तैयार। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये मेथी का दाना है, जिसको एक रात पहले फूलने के लिए डाल देने के बाद ये फूल चुका है। एक प्याज इसमें ऐड करूंगी मैं, इसको कट के, ठीक है। उसके बाद में इसमें आप और भी चीजें मिला सकते हो, हनी मिला सकते हो, दही मिला सकते हो, या हिबिस्कस के जो फूल होते हैं वो मिला सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मेरे पास अभी ये दो ही चीजें हैं, तो मैं ये दो चीजें ही यूज करूंगी। इसको पीस के पेस्ट बना के अपने बालों में लगाऊंगी। ऐसे ये दो फ्लावर्स मुझे मिल गए हैं, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ और अब इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो वैसे देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट बनके हो चुका है तैयार। वैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया अपने हेयर्स में बहुत अच्छे से, रूम का हालत देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ठीक करने वाली हूँ, अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसको एक घंटे तक रखूंगी, और उसके बाद जब तक एक घंटे होते तब तक मैं अपना जितना भी काम है सारा मैं कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, जब इसको वॉश कर लूँगी तब। अपने हेयर को अच्छे से पेस्ट इस पेस्ट से कवर कर लिया है और इसको मैं एक घंटे तक लगा के छोड़ूंगी, तब तक मैं अपना सारे काम कर ले रही हूँ। और सच बताऊँ इस पेस्ट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे हैं तो कोई हम लोग को हार्म भी नहीं करेगा, और प्याज के रस और मेथी के दाने के तो बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे हेयर लॉस को रोकता है, साथ ही घने मोटे बाल भी करते हैं। तो मैंने दो बार अभी तक लगाया है, मुझे थोड़ा सा लगा है कि हाँ मेरा सही हो रहा है हेयर। आ चुका है बाल कटवा के और इसको भूख लगी, तो देख सकते हैं छोले और पूरी खा रहा है। हे गाइस मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, मैंने नहा भी लिया है और अभी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मैं कर रही हूँ ब्लाउज स्टिच। तो अभी स्टिच करने के लिए बैठी ही हूँ, आरुष बोल रहा है मुझे दिखा दो। तो आरुष नीचे में अपना साइकिल साइकिल का सेवा कर रहा है और यहाँ मैं ऊपर में हूँ। और आज देख सकते गाइस धूप बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाती बैक कैमरे से कितना ज्यादा धूप है, एकदम जैसे गर्मी में धूप होता है ना वैसे ही। और इसलिए कपड़ा देख सकते हैं, तो पेंट वगैरह हुआ है ना घर में, तो पर्दा वगैरह या ये सोफा वगैरह कवर धोना जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। यहाँ पे आर उसको देख सकते हैं, पता नहीं क्या कर रहा था और खुद से ही ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि वो पेंटिंग ब्रश लेके और कलर वाटर कलर ले लिया था, और ये ट्रैक्टर है इसका टॉय है, उसको कलर कर रहा था और वो रिकॉर्ड कर रहा था कि कैसे कैसे कर रहा है। तो आप लोग देखिए क्या क्या कर रहा है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। अभी हम लोग सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोग आरुष को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ग्रीनरी देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना इधर साइड का व्यू। अभी ट्रेन आने वाली है तो हम लोग वेट कर रहे थे, ट्रेन आएगी फिर जाने के बाद ही हम लोग जाएंगे यहाँ पे। और अभी यहाँ का देख सकते हैं सनराइज हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है ना, काफी दिनों बाद सूरज को ऐसे देख के ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो देख सकते हैं हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे आए थे, मतलब रेलवे स्टेशन।
तो क्यों आए थे? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गांव, तो टिकट के लिए आए हुए थे। तो टिकट के लिए हम लोगों ने एक जान पहचान के है कोई, उनको लगा दिया है तत्काल टिकट के लिए, और हम लोग जाएंगे। तो गाइज़ हम लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसे मजाक कर रही हूँ मैं, मम्मी पापा जा रहे हैं, तो इसीलिए मम्मी पापा जा रहे हैं तो इसीलिए तत्काल में टिकट करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और तो गाइज अभी हम चलते हैं घर, और अभी देख सकते हैं धूप निकल चुके हैं। गाइज आ चुकी हूँ घर, और अभी बाइक से आने के बाद ठंडा लग गया, तो मैं यहाँ पे बना रही, देख सकते हैं चाय। जाने आने से कहीं से भी जाते आते हैं ना, तो थोड़ा ठंडा लगता है, हवा आती है ना, ऊपर से ठंड का मौसम भी है तो ठंड लग रहा है, तो पहले चाय पी लेते हैं, गर्म हो जाते हैं। Hey guys, तो आज देख सकते हैं मम्मी पापा जा रहे गांव, और आरुष और आरुष के पापा जा रहे स्टेशन पर छोड़ने के लिए। अभी पापा मम्मी दोनों देख सकते हैं जा रहे हैं। तो हमारी बहन आ चुकी थी, और यहां से स्टेशन जो है आधे घंटे लगते हैं हमारे जाने में। उसके बाद मॉर्निंग का ही आज ट्रेन थी, तो इसीलिए सुबह सुबह ही जा रहे हैं, और आरुष और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं पापा मम्मी को छोड़ने के लिए। तो देख सकते हैं अभी निकल गए हैं, और अब घर एकदम सुना सुना। मैं बैठी हुई देख सकते हैं मम्मी पापा के रूम में बैठी हुई हूँ, और मम्मी पापा तो जा चुके हैं, और आरुष और उसके पापा दोनों गए हैं छोड़ने के लिए। तो अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं, 9 बज चुके हैं, क्योंकि 9 बजे तक शायद ट्रेन आएंगे, फिर वो छोड़ने के बाद ही आएंगे। और आज तो पूरा घर ही सुना सुना लगेगा, 2-3 दिन ऐसे लगेगा, लेकिन कुछ दिन का ही बात है, मतलब 10-15 दिन में फिर वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि कोई काम था जिस वजह से जाना पड़ गया। फिलहाल मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ, और अभी थोड़ा मुझे सिलाई का काम था मैं करके जस्ट आई हूँ नीचे। नाश्ता वगैरह अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर घर से कोई जाता है ना, तो फिर क्या होता है ना, भूख वूक भी नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे अभी, हाँ, और आज है सरस्वती पूजा, तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। और ये ब्लॉग मैं 3 दिन से, मतलब 3 दिन का ये ब्लॉग है, 3 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ। संडे मंडे को नहीं बनाई, फिर ट्यूसडे और आज वेडनेसडे है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। यहाँ पे मैंने पूजा देख सकते हैं कर लिया है, सुबह में पूजा कर लिया था, तो पूजा तो हो चुका है, और अभी मैं घर में अकेली हूँ। देवर जी भी है, तो देवर जी अभी नहा रहे हैं, तो फिलहाल बैठी हुई हूँ। और आज सरस्वती पूजा है, तो मेरी ननद लोग भी आने वाली है रेडी होने के लिए। तो फिलहाल मैं सोच रही थी कि अभी तो मैं बैठी हूँ, तो नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।